नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड द अदर रिपोर्टेड सोर्सेज। ये है 31 जनवरी 2020 की न्यूज एनालिसिस। उम्मीद करता हूं आप मुझे डेली फॉलो कर रहे हैं। बस इसी तरह से डेली फॉलो करते रहेगा, डेफिनेटली आप एग्जाम में 90% तक स्कोर कर सकते हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन में। एंड आपके लिए आज आपके लिए एक और जरूरी सूचना, और वो सूचना है आपकी 3 फ्री क्लासेस आज आपके लिए होने वाली हैं। 3 फ्री क्लासेस अनअकैडमी पर, अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस के फॉर्म में होंगी वो 3 क्लासेस। टाइमिंग उनकी रहेगी 12 बजे से लेकर 1 बजे पहली क्लास है, दूसरी क्लास 2:15 से 3:15 बजे है, तीसरी क्लास 3:30 से 4:30 है। ये 3 क्लासेस आज आपकी होने वाली है अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म स्पेशल क्लासेस, फ्री क्लासेस ये तीनों रहेंगी। और इन तीनों क्लासेस में हम करेंगे पूरे के पूरे जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स को रिवीजन डिटेल फॉर्म में। जैसे हम मॉर्निंग में अभी डिटेल फॉर्म में करते हैं, इसी तरह से डिटेल फॉर्म में हम उस करंट अफेयर्स को करेंगे जनवरी मंथ की। सो ये आपका एक मंथली रिविजन का पोर्शन लेकर आया हूं आपके लिए फ्री में अनअकैडमी प्लस के स्पेशल क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। सो जरूर एनरोल कर लीजिएगा। उन सभी क्लासेस के लिंक मैंने आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं आप मुझे वहां पर लाइव जरूर मिलेंगे। और चलिए इसी के साथ शुरुआत कर देते हैं आज के सेशन की। और कल से आपकी जो क्लास रहेगी वो 7:30 बजे रहेगी। ध्यान रखिएगा, आज 8 बजे तक क्लास, मतलब 8 बजे होती थी, अब कल से आपकी क्लास जो रहेगी वो 7:30 बजे रहा करेगी। ओके, 7:30 बजे आपकी ये क्लास होगी। एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, 7:30 बजे लाइव आना मत भूलिएगा। चलिए पहली न्यूज आपकी तरफ आई है, और ये आई है माधवपुर मेला से। माधवपुर मेला एंड कहाँ कहाँ है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह ने अभी हाल ही माधवपुर मेला को, आपका उसकी प्रिपरेशन किस तरह चल रही है उसको रिव्यू किया, जो कि गुजरात में होने वाला है। गुजरात में भी पोरबंदर में आपका होगा, जहां जो कि बर्थ प्लेस है आपका गांधी जी का। एंड द कैबिनेट हैज अप्रूव 30% ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल फंड्स आर टू बी एलोकेटेड टू द न्यू प्रोजेक्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। सो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट की आपकी जो स्टेट्स हैं उनसे रिलेटेड एक मेला आपका गुजरात के माधवपुर मेला, इसको कहा जाता है पोरबंदर में। एंड ये आपका मेला जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे आपके 8 स्टेट्स, ओके, 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, असम, सिख, मणिपुर, मेघालय एंड दी असम, सिक्किम, सॉरी मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड दी नागालैंड। ओके, और ये स्टार्ट होगा अप्रैल 2020 में, राइट। सो दिस फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द मेला इज द रामनवमी। सो यहां पर माधवपुर मेला एग्जाम पॉइंट से आपसे क्वेश्चन, कहां पर, पोरबंदर में, एंड कौन से नॉर्थ ईस्टर्न के कौन से स्टेट्स, ये स्टेट्स इसमें शामिल हैं, जिस इसमें ज्यादा ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कौन से फेस्टिवल से एसोसिएटेड है ये मेला। राइट आंसर राम नवमी रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, इंडिया एंड फ्रांस दोनों ने मिलकर एक बातचीत की है फिल्म से रिलेटेड। एक साथ उन्होंने फैसला लिया है कि कुछ फिल्म्स को आपका को प्रोड्यूस करेंगे, एक साथ मिलकर उनको प्रोड्यूस करेंगे। ये आपका एक डिस्कशन हुआ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर का, साथ में थे उनके फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर आपके फ्रैंक रिस्टर। ये आपके फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर, इनके साथ मिलकर इंडिया ने आपका फैसला किया है कि दोनों मिलकर आपका फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे। राइट, एग्जाम में बस इतना ही क्वेश्चन आएगा कौन सी कंट्री के साथ मिलकर फिल्म्स को प्रोड्यूस किया जाएगा। राइट आंसर फ्रांस रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीता इन इंडिया। ओके, सो अफ्रीकन चीता को आपका इंडिया में लाने की बात की जा रही है। इंडियन चीता जो बेसिकली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं हमारे देश में, और इसी के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने, दैट इज द NTCA ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अफ्रीकन चीता को जो कि नामीबिया से लाए जाएंगे उनको इंडिया में लाने की परमिशन दी जाए। इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 मेंबर की एक कमेटी बनाई है, 3 मेंबर की कमेटी, जिसमें आपका फॉर्मर डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया रंजीत सिंह,
डीजी ऑफ वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया धनंजय मोहन एंड द डीआईजी वाइल्ड लाइफ मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ये आपके इसमें शामिल है। ओके, सो ये इसमें शामिल है। ओके, आई थिंक एक नाम यहाँ पर रह गया, देख लेना यार, ठीक है, गूगल कर लेना, एक नाम रह गया, टू गाइड द एनटीसीए इन टेकिंग अ डिसीजन ऑन द इश्यू। सो यहाँ पर आपका तीन मेंबर की कमेटी, तीनों की तीनों मेंबर के नाम आपको याद रखने हैं, दो मैंने दे दिए हैं, यहाँ पर एक नाम मिसिंग है, देख लेगा प्लीज। एंड अ बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े, जो कि आपका सुप्रीम कोर्ट के कौन से जजेस ने ये फैसला सुनाया है उनके नाम यहां पर दे रखे हैं, वो है एस ए बोबड़े एंड द जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी आर गवई एंड द सूर्याकांत, ये आपका बेंच जिन्होंने आपका फैसला ये सुनाया है। एंड ये आपकी एक कमेटी बनाई गई है अफ्रीकन चीता को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को देखेंगी ये पर्टिकुलरली कमेटी कि वाकई में ये प्रोजेक्ट सही जा रहा है या नहीं जा रहा। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ अफ्रीकन चीता कहाँ से लाए जाएंगे, नामीबिया से लाए जाएंगे, मेंबर कमेटी के नाम पूछ सकते हैं आपसे। ओके, और ये आपके चीफ जस्टिस के नाम है, राइट। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यूरोपियन पार्लियामेंट ने डिस्कस किया इंडिया का एनटीसीए रेजोल्यूशन, काफी ज्यादा चर्चा में है, आप सभी को पता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके ऊपर आपका डिस्कशन हुआ यूरोपियन पार्लियामेंट में, यूरोपियन पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन पार्लियामेंट, वहां पर डिस्कशन हुआ। सो यहां पर आपका एग्जाम में बस इतना याद रखना है कौन सी ऐसे इंटरनेशनल लेवल पे आपका हाल ही में एक इंडिया के CAA रेजोल्यूशन के ऊपर बातचीत हुई है, डिस्कशन हुआ है, राइट आंसर रहेगा उसका यूरोपियन पार्लियामेंट। ओके, बस इसमें से एक ही क्वेश्चन आपका बनकर सामने आएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अभी हाल ही में एक डाटा आया है जिस डाटा के अनुसार एज ऑन जनवरी 24 मुद्रा लोन्स जो सैंक्शन किए गए हैं उनकी वैल्यू जो है वो इतनी है, 1,97,816 करोड़ आपके मुद्रा लोन्स आपके सैंक्शन किए गए हैं, जिसमें से आपके लोन जो उनके खातों में पहुंच के हैं वो 1,91,970 करोड़ है। ये एक आपका डाटा आया है, इस तरह का डाटा एग्जाम में पूछते हैं, सो डेफिनेटली इस डाटा को माइंड में रख लीजिएगा, पूछेंगे। और यहां पर ये इंक्रीज दे रखा है, लास्ट दो महीनों में 40,000 करोड़ से इंक्रीज हो चुका है। उम्मीद करता हूं मुद्रा आपको पता होगा, मुद्रा क्या है। ओके, मुद्रा आपका एक पैसे तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मुद्रा आपका जो कि आपका प्रोवाइड कराता है गारंटी प्रोवाइड कराता है ये इंस्टीट्यूशन। एंड ये गारंटी किस लिए प्रोवाइड कराता है, अगर आप कोई भी बैंक मुद्रा स्कीम के तहत लोन देते हैं, मुद्रा स्कीम के तहत 10 लाख तक का फ्री ऑफ कोलेट्रल फ्री आपका लोन दिया जाता है, मींस आपको किसी भी तरह की गिरवी रखने की कोई जरूरत नहीं है। शिशु किशोर तरुण तीन टाइप्स में दिया जाता है, चलिए कमेंट्स सेक्शन में मुझे बताइएगा शिशु किशोर तरुण की बाइफरकेशन कितने अमाउंट का लोन कहां पर बाइफरकेट होता है, कहां पर आता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में अगर पढ़ना है तो बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास में मैंने आपको डिस्कशन अच्छे से किया हुआ है। और जो लोग अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनको बता दूं मेरी बैंकिंग अवेयरनेस की अभी 4-5 क्लासेस हुई हैं, अगर आप ले रहे हैं सब्सक्रिप्शन तो आप मेरी क्लासेस अभी भी देख सकते हैं, उनके रिकॉर्डेड भी सुन सकते हैं। ओके, Zini10 कोड यूज कर लीजिएगा जब भी आप लेना चाहें तो, ठीक है, इस कोड को आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है 4 मिलियन पाउंड 37 करोड़ रुपीज नियर अबाउट, ये फंड आपका रिलीज किया है, ये फंड आपका लॉन्च किया है। और इस फंड के तहत तो वो बेसिकली ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस या ऐसे स्टार्टअप्स या ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को आपका चुनेंगे जो कि आपका टेक्नोलॉजी टेक्निकल फील्ड में आपका काम कर रही है। ओके, टेक्निकल फील्ड में या फिर ये पर्टिकुलरली एरियाज यहां पर लिखे हुए हैं, इन एरियाज में काम कर रही है, उनको ये आपका पैसा मुहैया करवाएंगे ताकि वो आगे अपना इनोवेशन अपना जो रिसर्च वर्क है उसको कैरी आउट कर सकें। ओके, सो ये है आपका 37 करोड़ नियर अबाउट 4 मिलियन पाउंड का, और ये दो मेजर इन्होंने एरियाज रखे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा जो कि कर्नाटका से रिलेटेड रहेगा एंड मोबिलिटी इन महाराष्ट्र। ओके, सो ये दो फोकस एरियाज इन्होंने रखे हैं जिसके लिए 37 करोड़ रुपीस वहां की कंपनीज को प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए चुनेंगे उनको। सो यहां पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछेंगे, अभी हाल ही में यूके गवर्नमेंट ने कितने अमाउंट का आपका हाल ही में एक फंड रिलीज किया है इंडिया के लिए, राइट आंसर 4 मिलियन पाउंड रहेगा या 37 करोड़, याद रख लीजिएगा। कौन से स्टेट्स के लिए है, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के लिए ये आपका ये फंड है, या फिर वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कौन से कंट्री ने अभी हाल ही में या साल कुछ लॉन्च किया है, राइट आंसर उसका यूनाइटेड किंगडम रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम,
एक बैंक अभी आया था, दो रूरल बैंक्स को मर्ज करके पांडेयन ग्रामा बैंक एंड द पल्लवा ग्रामा बैंक दोनों को मर्ज किया गया था और बनाया गया था तमिलनाडु ग्रामा बैंक, तमिलनाडु ग्रामा बैंक बनाया गया था। अब इसमें पर्टिकुलर तमिलनाडु ग्रामा बैंक में एक नया सॉफ्टवेयर जो हम कहते हैं ना CBS कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ओके कोर की भी इसमें फुल फॉर्म होती है, सेंट्रलाइज ऑनलाइन रियल टाइम एनवायरमेंट, कुछ लोग रियल टाइम एक्सचेंज बोलते हैं, कुछ लोग रियल टाइम एनवायरमेंट बोलते हैं, ठीक है। सो यहां पर आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो आपका CBS सिस्टम होता है, जो आपका सॉफ्टवेयर होता है, जब आप बैंक में लग जाओगे तो एक पर्टिकुलर जिस भी बैंक में आप लगोगे उसका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें सारा का सारा आपका काम किया जाता है, जिसमें आप कस्टमर्स की ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं। सो वही आपका कोर बैंकिंग सॉल्यूशन होता है और इसका एक सॉफ्टवेयर है बैंक्स नाम का जो कि TCS के द्वारा बनाया गया है। सो TCS ने ये बैंक्स नाम का सॉफ्टवेयर, TCS बैंक्स कह रही है, काफी फेमस सॉफ्टवेयर है, काफी सारे स्टेट बैंक में भी बैंक्स लिंक यूज किया जाता है। सो TCS बैंक्स कोर बैंकिंग सॉल्यूशन नाम का सॉफ्टवेयर आपका तमिलनाडु ग्रामा बैंक को आपका प्रोवाइड करवाया गया जो कि अभी हाल ही में मर्ज हुआ था दो एंटिटीज, दैट इज पांडेयन ग्रामा बैंक एंड पल्लवा ग्रामा बैंक का मर्ज एंटिटी, जिसको इंडियन बैंक ने स्पॉन्सर किया है। ऑब्वियस है ये ग्रामा बैंक है यानी कि RRB है, RRB में आपके एक स्पॉन्सर बैंक होता है, गवर्नमेंट का शेयर होता है, स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होता है। चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एक रूरल बैंक में, एक RRB में शेयर कितने परसेंट किस किस का होता है, मतलब सेंट्रल का, आपका स्टेट का और दी स्पॉन्सर बैंक का कितने परसेंट शेयर होता है, कमेंट सेक्शन में तुरंत बताइए। इसका हेडक्वार्टर आपका सालेम में है, 650 ब्रांचेस हैं, 800 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आउटलेट्स हैं, BCs हैं। BCs ऐसे लोग होते हैं जो कि बैंक अपॉइंट करता है, मींस ऐसे दूर के इलाकों में जहां के लोग ब्रांच तक नहीं पहुंच पाते वहां पर ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट इंडिविजुअल जाते हैं, बैंक की तरफ से इनको अपॉइंट किया जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट होती है और वहां पर जाके उनकी ट्रांजेक्शन कैरी आउट करते हैं। इनके पास एक मशीन होती है जिसको हम POS मशीन, स्वाइप मशीन बोल सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन बोल सकते हैं, और वो उनके पास होती है, वो लेकर जाते हैं और वहां पर उनके फिंगर इंप्रेशन लेते हैं, लाइक द आधार कार्ड के थ्रू जो लिंक है आपके अकाउंट, फिंगर इंप्रेशन लिए जाते हैं और उनको पैसे वहां पर वो विड्रॉ भी कर सकते हैं और पैसे वो डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। फिर वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आपका आएगा ब्रांच में और वो पैसे वहां पर जमा करवा देगा या फिर पैसे वो ले जाएगा सुबह। सो यही आपका फंडा होता है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का। सो यहाँ पर एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ से आपका इस पर्टिकुलर न्यूज में तमिलनाडु ग्रामा बैंक, ये दोनों पिछले ग्राम बैंक्स के नाम भी पूछ सकते हैं, TCS बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन उसका नाम है उस सॉफ्टवेयर का, राइट। हेडक्वार्टर सालेम में है, स्पॉन्सर करता है इंडियन बैंक। ममता बनर्जी बंगाल ये बना है चौथा स्टेट जिसने NTCA रेजोल्यूशन आपका हाल ही में पास किया है। सबसे पहला स्टेट जो बना था जिसने एक NTCA रेजोल्यूशन पास किया था वो बना था केरला, केरला वाज द फर्स्ट स्टेट, और अब इसके बाद पंजाब, राजस्थान के बाद अब वेस्ट बंगाल में भी ये आपका पास कर दिया गया है, ये आपका NTCA रेजोल्यूशन, ओके। सो इसके तहत आपका जो CA है वो आपका उस स्टेट में अप्लाई नहीं हो पाएगा। सो ये किया है आपका वेस्ट बंगाल ने जहाँ के गवर्नर जगदीप धनकर हैं, ओके। सो हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ से केरला भी पूछा जा सकता है, या फिर अगर लेटेस्ट तो एग्जाम आया और उसके बाद कोई और स्टेट ने ये लागू नहीं किया तो फिर केरला, पंजाब, राजस्थान, वेस्ट बंगाल चारों के चारों नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रेडी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में आपकी फाइनली रेडी हो जाएगी मार्च 2022 तक, ये आपका कहा है ईस्ट वेस्ट प्रोजेक्ट के तहत आपका मार्च 2022 तक हुगली रिवर के नीचे जो आपकी निकलने वाली है मेट्रो, एंड ये आपका 200 मिलियन रुपीज आने हैं आपके इंडियन रेलवे बोर्ड से, उसका इंतजार किया जा रहा है। और ये आपका बेसिकली जो प्रोजेक्ट है वो आपका 6 बिलियन रुपीज आपके जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के द्वारा ये दिए गए हैं, ओके। जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी के द्वारा आपके ये पैसा दिया गया है 6 बिलियन रुपीज का। सो एग्जाम पॉइंट से आपको याद रखना है, ये फिगर याद मत रखिएगा, जरूरत नहीं है आपको, जस्ट इतना याद रखिए कब तक कंप्लीट हो रहा है, मार्च 2022 तक, और जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने कितना पैसा दिया, 6 बिलियन रुपीज दिया है, जस्ट दैट्स इट। ये भी कोई फिगर याद रखने की जरूरत नहीं है, ना ही ये, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर 6 बिलियन और मार्च 2022, बस दैट्स इट, दो क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। बेंगलुरु स्मार्ट सिटी IGBC ने साइन किया है एक एग्रीमेंट। सो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने बेंगलुरु स्मार्ट सिटी लिमिटेड के साथ साइन किया है एक MOU, और ये साइन किया है आपका बेंगलुरु में आपका ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, बेंगलुरु में आपका ग्रीन बिल्डिंग्स को बनाने के लिए। ये आपका MSCL इज द फर्स्ट स्मार्ट सिटी इन द कंट्री टू एंटर इन MOU विद द IGBC, ओके। IGBC के साथ एक MOU करने वाली पहली स्मार्ट सिटी बनी
नहीं है आपकी मंगलुरु। सो यहाँ पर मोहम्मद नजीर जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है MSCL एंड DB मेहता चेयरमैन है बेंगलुरु के बेंगलुरु चैप्टर ऑफ द IGBC, इन्होंने साइन किया एक MOU। सो ये दोनों मिलकर आपकी ऐसी बिल्डिंग्स को डेवलप करेंगे जो कि आपकी ग्रीन बिल्डिंग्स कहलाएंगे। ग्रीन बिल्डिंग्स मीन्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं, किसी भी तरह का पॉल्यूशन एंड ऑल इन्वायरमेंट से एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स कह सकते हैं। सो दैट इज द ग्रीन बिल्डिंग्स और ये आपका बनाई जाएंगी मंगलुरु में, ऐसा पहली सिटी बनी है जहाँ इसके साथ इसका टाई अप हुआ। सो एग्जाम में ये लाइन आपको दी होगी, ये वाली लाइन दी होगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी सिटी है वो, राइट आंसर उसका मंगलुरु रहेगा। बाकी इनके नाम ये याद करने की जरूरत नहीं है, नहीं पूछेंगे, टेंशन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन। सो यहाँ पर महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे इन्होंने इनॉग्रेट किया है 5 किलोमीटर लंबी नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन महा मेट्रो रेल नेटवर्क नागपुर की वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। सो ये आपका नागपुर मेट्रो जो है वो ग्रीनेस्ट मेट्रो है आपका, जिसमें 65% जो पावर यूज की जाती है वो सोलर एनर्जी से यूज की जाती है। ओके, सोलर एनर्जी, सोलर पावर, सोलर से बनाई जाती है। ओके, सूरज की रोशनी से 65% जो भी पावर कंजप्शन है वो आपकी सोलर एनर्जी है। ये नागपुर मेट्रो की आपकी खासियत है। ओके, सो यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ से ये नहीं इतना इंपॉर्टेंट है नागपुर मेट्रो एक्वा लाइन कहाँ की गई, कैसे की गई, ये लाइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए जो एग्जाम में पूछी जा सकती है आपसे कि कौन सी ऐसी मेट्रो है जो कि ग्रीनेस्ट मेट्रो कहलाती है और उसका 65% पावर कंजप्शन सोलर एनर्जी से आता है। राइट आंसर उसका नागपुर मेट्रो रहेगा, या फिर ये भी परसेंटेज भी पूछ सकते हैं 65%। ओके, सो ये दो क्वेश्चन आपके इसमें से बनकर सामने आएंगे। गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। नेक्स्ट है यूरोपियन यूनियन, अभी हाल ही में ब्रेक्सिट, ओके, आज की डेट में ब्रेक्सिट हो रहा है। सो यहां पर यूके में आपका यूरोपियन यूनियन के द्वारा पहला एम्बेसडर अपना अपॉइंट किया गया है और ये पोर्तुगीज के डिप्लोमेट हैं जाओ वेले डी अल्मीडा, यूरोपियन यूनियन एनवॉय टू लंदन। सो अब बेसिकली अलग अलग हो गए यूरोपियन यूनियन, आपका यूके उससे अलग हो गया, तो वहां पर उनका एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। पहले तो सब कुछ एक ही था, ठीक है, अब अलग कट गए तो ऑब्वियस वहां पर एम्बेसडर अपॉइंट किया जाएगा। सो यहाँ पर पोर्तुगीज के एक डिप्लोमेट, पोर्तुगीज के एक पर्सन है, ये है जाओ वेला डी अल्मीडा, इनको यूरोपियन यूनियन की तरफ से अपॉइंट किया गया है आपका यूनाइटेड किंगडम में और ये पहले बने हैं। ओके, पहले बने हैं तो इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। नया एक मिशन लॉन्च किया है नासा एंड द ESA ने। ESA यहाँ पर है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, नासा है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है एक नया स्पेसक्राफ्ट, द सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट टू टेक फर्स्ट पिक्चर्स ऑफ द सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ओके, पहली पिक्चर सन्स नॉर्थ एंड साउथ पोल्स, ये आपका नासा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी दोनों ने मिलकर इसको लॉन्च किया है एक नया स्पेसक्राफ्ट। ये आपका सन की पिक्चर लेगा एंड ये लॉन्च किया जाएगा 7 फरवरी को यूनाइटेड स्टेट्स यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से कैपे कार्निवल यूनाइटेड स्टेट्स से। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट से नासा ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया गया एयरक्राफ्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसके साथ मिला है, नासा के साथ किया है। स्पेसक्राफ्ट का नाम क्या है, सोलर ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट है। BFSI डिजिटल इनोवेशन अवार्ड, सो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो कि 100% सब्सिडरी है बजाज फाइनेंस लिमिटेड की, इसने जीता BFSI डिजिटल इनोवेशन अवार्ड। ओके, BFSI यहां पर है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस BFSI की फुल फॉर्म होती है। सो ये एक सेक्टर माना गया है बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, एक साथ इसको अनाउंस किया जाता है इस वर्ड के थ्रू। सो यहाँ पर अभी हाल ही में BFSI टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव अवार्ड्स 2020 हुए, जिसमें आपका डिजिटल इनोवेशन में आपका बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को ये अवार्ड आपका दिया गया। इसको ऑर्गेनाइज किया था एक्सप्रेस कंप्यूटर ने, ओके, एंड जो कि इंडियन एक्सप्रेस जो ग्रुप है उसकी एक मैगजीन है, IT बिजनेस मैगजीन, एंड ये आपका माना जाता है एक बहुत बड़ा एक सम्मेलन IT डिसीजन मेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव एंड पार्टनर्स इन इंडिया। ओके, IT कंपनीज, ओके, उनका एक बहुत बड़ा सम्मेलन माना जाता है, पुणे में आपका आयोजित किया गया था। एग्जाम पढ़ने से बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का नाम पूछ सकते हैं आपसे, या फिर ये भी पूछ सकते हैं कि इवेंट कहाँ पर किया गया ऑर्गेनाइज, पुणे में किया गया, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, एक्सप्रेस कंप्यूटर के द्वारा किया गया। नीचे बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टैटिक फैक्ट हैं। फ्लिपकार्ट ने साइन किया है एक MOU विद द गुजरात स्टेट
हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ। ओके, गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ ये आपका एक एमओयू साइन किया गया, और ये साइन किया गया फॉर प्रमोशन ऑफ द लोकल हैंडीक्राफ्ट। उनको आपका फ्लिपकार्ट पे उनका सामान को बेचा जाएगा। सो ये आपका किया गया है फ्लिपकार्ट ने एक एमओयू गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। सो एग्जाम में ये पूछेंगे गुजरात किसके साथ किया है, गुजरात स्टेट ने फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू किया, फ्लिपकार्ट ने किसके साथ किया है, गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड एचडीसी के साथ, जीएसएचएचडीसी के साथ मिलकर ये किया है। और ये आपका फ्लिपकार्ट का एक समर्थ इनिशिएटिव है, समर्थ इनिशिएटिव है, इसके तहत ये किया गया है। और इसके लिए एक आपका एमओयू जो साइन किया गया वहां पर मौजूद थे गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी भी। ओके, राजकोट में ये हुआ था ये साइन। ओके, सो यहां पर फ्लिपकार्ट का समर्थ इनिशिएटिव याद रख लिया, गुजरात का आपका फ्लिपकार्ट के साथ एमओयू ये याद रख लिया फ्लिपकार्ट के स्टैटिक। नेक्स्ट चलते हैं टाइलर प्राइज फॉर द ग्रीन इकोनॉमी वर्क। ओके, सो यहाँ पर रिनाउंड इंडियन एनवायरमेंट इकोनॉमिस्ट एंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के गुडविल एम्बेसडर, नाम है इनका पवन सुखदेव, पवन सुखदेव इनका नाम है। इनको 2020 का टाइलर प्राइज दिया गया। टाइलर प्राइज आपका माना जाता है नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट, नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट माना जाता है। टाइलर प्राइज इज एडमिनिस्ट्रेड बाय द यूनिवर्सिटी ऑफ द साउदर्न कैलिफोर्निया। ओके, सो नोबल प्राइज माना जाता है एनवायरमेंट के फील्ड में, रिगार्डेड एज द नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग ग्रीन इकोनॉमी वर्क। ओके, सो इस पर्पज के लिए दिया गया। और उनके साथ साथ एक बायोलॉजिस्ट और थे, ग्रेशन डेली। ओके, ग्रेशन डेली इनका नाम था, इनको भी इसके लिए प्राइज दिया गया है। दोनों को यह प्राइज 1 मई को एक सेरेमनी होगी वहां पर आपका दिया जाएगा, जिसमें उनको 2,00,000 रुपए $ कैश प्राइज के फॉर्म में भी दिया जाएगा। टाइलर प्राइज किसको दिया जाता है यहां पर लिखा हुआ है, खैर याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट एक रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें इसमें पूछी जा सकती है, सबसे पहले पवन सुखदेव का नाम, साथ में ग्रेचन डेली का नाम पूछा जा सकता है, एंड कितने प्राइज दिया जाएगा, $2,00,000 दिया जाएगा टाइलर प्राइज। या फिर ये भी पूछ सकते हैं नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट किसको कहा जाता है। ये बेसिकली नोबल प्राइज नहीं है बट एक इक्वलेंट माना जाता है उसके, इसको कहा जाता है नोबल प्राइज फॉर एनवायरमेंट और इसका नाम है टाइलर प्राइज, टाइलर प्राइज इसका नाम है। और किसके द्वारा दिया जाता है, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। पवन सुखदेव, ग्रेचन डेली, दोनों का नाम अच्छे से माइंड में फिट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर। ओके, उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको शायद कट रहा होगा, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी तो थोड़ा सा बियर कर लेगा, पीडीएफ में आपको सही मिलेगा। नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड दी लेटर्स, संजना कपूर इंडियन थिएटर पर्सनैलिटी हैं, फॉर्मर ब्रिटिश फिल्म एक्ट्रेस हैं, इंडियन एंड द ब्रिटिश डिसेंट, ये इंडिया एंड द ब्रिटेन से। इनको आपका चुना गया है आपका फ्रांस के एक ऑनर, जिसको इंग्लिश में हम नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर कहते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज में शेवलियर डेंस आई ऑर्डर डेस आर्ट्स इट डिस लेटर्स भी कहा जाता है। वाह, मुझे तो फ्रेंच भी पढ़नी आती है, पहली बार पता लगा। सो यहाँ पर आपका आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन फील्ड ऑफ थिएटर, थिएटर के फील्ड में उनको दिया गया यह प्राइज। नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर किसको दिया गया, संजना कपूर को दिया गया, संजना कपूर को ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये आपका हाल ही में जो फ्रांस के मिनिस्टर आपके इंडिया में विजिट पर थे, कल्चर, फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ कल्चर फ्रैंक रिस्टर, जिन्होंने अभी एक टाई अप भी किया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, उसी के लिए किया है। शी करंटली ऑपरेट्स मुंबई बेस्ड थिएटर कंपनी, उनकी एक थिएटर कंपनी है जुनून नाम की, सो उसी के लिए ये काम करती हैं और इसी के लिए इनको इस प्राइज से, इस सम्मान से वाजा गया। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स किसको दिया गया, संजना कपूर को दिया गया। किसने दिया, फ्रांस ने दिया। उनके एक थिएटर कंपनी का नाम क्या है, जुनून नाम है। सो यहां पर ये फ्रांस गवर्नमेंट के द्वारा 1957 में ये स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा शाहरुख खान, हरिप्रसाद चौरसिया, ऐश्वर्या राय एंड बहुत सारे लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, सम्मान से नवाजा जा चुका है। नेक्स्ट चलते हैं नॉर्थ ईस्ट डॉक्टर DRTAO ट्रॉफी, से ये आपकी दी गई है नॉर्थ ईस्ट के TAO फुटबॉल ट्रॉफी 2020 इंदिरा गांधी स्टेडियम को में ये इवेंट आपका हुआ था। और ये आपका फुटबॉल का ये इवेंट है, बेसिकली यहां लिखा नहीं है फुटबॉल का इवेंट, अच्छा लिखा हुआ फुटबॉल का इवेंट है ये आपका। एंड मिजोरम ने आपका हराया सिक्किम को, मिजोरम ने हराया सिक्किम को, एंड इसी में आपका गोल्डन बूट, उनके उन्होंने 10 गोल किए थे, मैक्सिमम जो गोल करता उसको गोल्डन बूट से नवाजा जाता है, उनका नाम है रितिशो मैरो के, रितिशो मैरो, इनको ये दिया गया है गोल्डन बूट, मिजोरम से है ये। एंड मिजोरम ने हराया आपका सिक्किम को इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में, ये इवेंट आपका हुआ था आयोजित, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा,
शुरुआत कर देते हैं रिवीजन से, क्विक रिवीजन करते हैं। ओके, तो चलिए सभी के सभी दबा दीजिएगा लाइक, दबाया नहीं हुआ लाइक काफी लोगों ने, तो पता नहीं क्या सुनते हो यार, आते हो लाइक नहीं करते हो, क्या करते हो फिर है? क्या करके जाते हो? कुछ नहीं करके जाते, बस पढ़ के जाते हो ना। ओके, नहीं करते लाइक तो अभी भी नहीं है, 655 लोग देख रहे हैं और 265 लाइक है, कमाल करते हो पांडे जी, क्या करते हो? कुछ तो सोचा करो इस गरीब आदमी के बारे में। चलो क्विक रिवीजन, कृपया करके सीट की पेटी बांध लें, ये उड़ान शुरू होने वाली है। इमरजेंसी के केस में आगे दो द्वार पीछे दो द्वार, और अगर दोनों द्वार ना खुले तो सीधा हरिद्वार। चलो स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन को, माधवपुर मेला नॉर्थ ईस्टर्न रिव्यूड। ओके, सो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया अपनी जर्नी को पोरबंदर से, ठीक है। सो पोरबंदर ये स्थान है जहां पर मैंने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत की थी। सो माधवपुर मेला नॉर्थ ईस्टर्न रिव्यूड पोरबंदर में इनका ऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये मेला। एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जितेंद्र सिंह, एंड इसमें 7 स्टेट्स हैं आपके, 8 स्टेट्स हैं शामिल होंगे, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश एंड दी नागालैंड। रामनवमी फेस्टिवल से एसोसिएटेड है। इंडिया फ्रांस दोनों ने मिलकर डिस्कशन किया है आपका फिल्म्स को प्रोड्यूस करने के लिए। फ्रैंक रिस्टर वहां के फ्रांस के कल्चर मिनिस्टर मौजूद थे। ओके, नेक्स्ट हम पहुंचे नामीबिया की तरफ। नामीबिया में हम लेकर आए अपनी बस में अफ्रीकन चीता को। ओके, सो आप इतना ज्यादा डर गए कि अफ्रीकन चीता के डर से आप सभी के सभी लोग छत के ऊपर बैठ गए, बस के ऊपर बैठ गए आप लोग। ओके, अफ्रीकन चीता को हम कहां से लेकर आए? नामीबिया से लेकर आए, और नामीबिया से लेकर आए और हमने हैंड ओवर कर दिया 3 मेंबर की कमेटी को, जो कि थी रंजीत सिंह, धनंजय मोहन और तीसरा नाम गूगल कर लीजिएगा। ओके, सो ये आपके अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। यूरोपियन पार्लियामेंट ने आपका डिस्कशन किया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर। मुद्रा लोन्स हाल ही में 24 जनवरी 2020 तक आपके सैंक्शन किए गए हैं, 1,97,816 करोड़ रुपीज के आपके लोन सैंक्शन किए गए हैं। ओके, सो ये मुद्रा से रिलेटेड आई। नेक्स्ट न्यूज एक आई है यूनाइटेड किंगडम से रिलेटेड, जो कि 37 करोड़ रुपए आपका इंडिया में देगा, फंड करेगा, पैसा देगा कंपनीज को। ओके, ताकि वो अपनी इंप्रूव कर सके, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव कर सके, एंड ये बेसिकली दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा कर्नाटका के लिए एंड फ्यूचर मोबिलिटी महाराष्ट्र के लिए, 2 स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट तमिलनाडु ग्रामा बैंक, जो कि मर्ज हुआ था, 2 एंटिटी मर्जर हुआ था, पांड्या ग्रामा बैंक एंड पलवन ग्रामा बैंक का, इसका नया सॉफ्टवेयर TCS बैंक स्कोर बैंकिंग सॉल्यूशन आपका आ चुका है, और इसके मर्ज एंटिटी के स्पॉन्सर बैंक इंडियन बैंक है और इसका हेडक्वार्टर सालेम में है। बंगाल बना है, वेस्ट बंगाल बना है 4th स्टेट, जहां पर आपका NTCA रेजोल्यूशन पास किया गया। पहले 3 स्टेट केरला, पंजाब एंड दी राजस्थान है। ओके, सो यहां पर नेक्स्ट हम मेट्रोवे। ओके, चलो बस से निकलो और मेट्रो के सफर पे चलते हैं। सो मेट्रो में आप बैठिए, और मेट्रो में अंडर वाटर मेट्रो है, कमाल की बात है, अंडर वाटर मेट्रो है सभी के सभी, एंड 2022 तक ये स्टार्ट हो जाएगी, और 6 मिलियन रुपीज आपका इसके लिए जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी ने दिए हैं। बेंगलुरु ने आपका टाई अप किया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ, पहली सिटी बनी है ऐसा टाई अप करने वाली, ऐसा MOU साइन करने वाली, वहां पर आपका ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी। ओके, ग्रीन बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी रेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। नागपुर मेट्रो एक्वालाइन, एक और मेट्रो ये नागपुर में है। इसकी खास बात यह है, नागपुर मेट्रो आपका जो टोटल पावर कंजप्शन उसका 65% सोलर एनर्जी लेता है। यूरोपियन यूनियन ने जाओ वैली डी अल्मीरा को, पोर्तुगीज के डिप्लोमेट हैं, इनको अपॉइंट किया आपका यूरोपियन यूनियन की तरफ से लंदन में आपका यूनाइटेड किंगडम का एम्बेसडर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है, ये एम्बेसडर हैं जो आपके फॉरेन डिप्लोमेट आते हैं ना, वो वाले। सो नेक्स्ट है आपका नासा एंड ESA, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर डिसाइड किया एक स्पेस क्राफ्ट लॉन्च कर रहा है। स्पेस क्राफ्ट 7 फरवरी को उड़ान भरेगा, सोलर ऑर्बिटर स्पेस क्राफ्ट। ओके, कौन कौन जाना जाता है स्पेस क्राफ्ट पे, जल्दी से बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में। सूरज के पास जाओगे, सूरज के पास फोटो खींच के आना, सेल्फी लेके आना, आज मैंने सेल्फी ले ली, वो क्या गाना था, आज सेल्फी मैंने ले ली है ना, सो वो लेना, फिर मजा आएगा है ना। फिर ऐसे आप सेल्फी ले रहे होंगे, पीछे से देखोगे आपका पूरा
बॉडी जल जाएगी, है ना, सूरज की रोशनी की वजह से इतनी गर्मी होगी, बट सेल्फी तो लेनी है और सेल्फी तो फेसबुक पे डालनी है, चाहे जितनी मर्जी तकलीफ हो जाए, है ना। बस यही तो आदत है, यही तो आदत है, बिगाड़ दिया आजकल की जनरेशन को। चलो मैं कौन सा बूढ़ा हो गया यार, मैं भी बूढ़ा नहीं, मैं भी आजकल की जनरेशन का पार्ट हूँ यार, है ना। चलो BFSI डिजिटल इनोवेशन अवार्ड, दैट इज दी बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, इस डिजिटल इनोवेशन अवार्ड में आपका, ये आपके अवार्ड सेरेमनी हुई पुणे में हुई, एक्सप्रेस कंप्यूटर के द्वारा ऑर्गेनाइज, बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को सम्मानित किया गया। फ्लिपकार्ट ने साइन किया एक MOU गुजरात स्टेट हैंडलूम एंड दी हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है। फ्लिपकार्ट ने ये MOU आपका साइन किया है फ्लिपकार्ट के स्मार्ट इनिशिएटिव के तहत। टाइलर प्राइज जो कि आपका इक्विवेलेंट माना जाता है नोबेल प्राइज फॉर द एनवायरमेंट, क्या इन उन्होंने आपका चुना है पवन सुखदेव को, पवन सुखदेव एज वेल एज ग्रेचन डेली, इन दोनों को ये आपका प्राइज दिया जाएगा, 1 मई को दिया जाएगा, जो कि आपका नोबेल प्राइज फॉर एनवायरमेंट दिया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा, 2 लाख रुपए कैश प्राइज। नाइट ऑफ ऑर्डर फॉर आर्ट एंड लेटर संजना कपूर को दिया गया है, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए इन द फील्ड ऑफ थिएटर, उनका थिएटर का नाम जुनून है और ये फ्रांस के मिनिस्टर ऑफ कल्चर फ्रैंक रिस्टर के द्वारा उनको ऑनर किया गया, ये प्राइज 1957 से दिया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका चैंपियन, 2 टाइम चैंपियन, मिजोरम डिफीट किया इन्होंने सिक्किम को, इंदिरा गांधी स्टेडियम कोहिमा में ये आपका इवेंट, ये आपका फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, रहितशो मैरो को आपका गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया। ओके मेरे दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको याद होगा कि आज आपकी 3 स्पेशल क्लासेस हैं, 3 Unacademy Plus पे फ्री क्लासेस हैं आपकी, उन क्लासेस को अटेंड जरूर कीजिएगा। मैं पूरी की पूरी जनवरी मंथ की करंट अफेयर्स को उसमें रिवाइज कराऊंगा, जितनी मैक्सिमम उससे हो सकेगी उन 3 घंटों में उतनी मैं रिविजन करवाऊंगा। सो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वो सेशन बहुत ही यूजफुल रहेंगे, मैंने उनके लिंक आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, लाइव जरूर अटेंड कीजिएगा। लाइव अटेंड करेंगे, देखो वो पूरा का पूरा 1 महीना हब हमारा हो चुका है, अब उसमें जो करंट अफेयर्स आए थे उसके रिवीजन तो आपके करनी है। उम्मीद करता हूं आप वीकली बेस पर तो कर ही रहे हैं, बट यहां पर मैं मंथली बेस पर भी आपको करवा रहा हूं, ठीक है। मंथली बेस पर आज 3 क्लासेस के फॉर्म में करवा रहा हूं, अब ऐसा नहीं है कि आप लाइव नहीं आएंगे, रिकॉर्डेड सुनेंगे तो क्या होगा, फिर कल की डेट में नई न्यूज़ क्रिएट हो जाएंगी, कल फिर आप नई शुरुआत कर पाएंगे, तो इसलिए आज लाइव देखकर उसको खत्म कर दीजिएगा, मीन्स उसको ऐसा पेंडिंग मत छोड़िएगा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कल देख लूंगा, परसों देख लूंगा, या फिर आज इवनिंग में रात को देख लूंगा, ऐसा मत कीजिएगा, पेंडेंसी मत रखिएगा। 12 बजे से क्लास स्टार्ट हो जाएगी और 4:30 बजे तक चलेंगी गैप के साथ, ठीक है। तो जरूर तीनों की तीनों क्लासेस को अटेंड कीजिएगा लाइव, उम्मीद करता हूं आपसे वहां पर फिर मुलाकात होगी, ठीक है। डिटेल में होगा, MCQs नहीं होगा, डिटेल में होगा, पहले डिटेल में तो रिवाइज कर लो, MCQs के फॉर्म में बाद में करना, पहले डिटेल में तो एक बार पढ़ लो। एक बार मैंने, अगर आपने मेरे सेशन सुना होगा जनरल अवेयरनेस वाला, जिसमें मैंने बताया था किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो डेफिनेटली आपको पता होगा उसमें मैंने ये बताया था, वीकली बेस पर रिवाइज करो, मंथली बेस पर रिवाइज करो, अच्छे से करो और डिटेल में करो। MCQs को बाद की बात है, MCQs तो आप डेली बेसिस पर जहाँ से भी करते हो वहाँ से किया, बट वो लास्ट में करने, MCQs को बार बार रिवाइज कर मत किया करो, ये गलती मत करो, MCQs से रिवीजन कभी मत किया करो। MCQs होते हैं कि आज आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसके MCQs आपने कहीं से कर लिए, जैसे कल से परसों से मैं भी MCQs करवाने स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। सो वो किया आपने, बट यहाँ पर ये मत करना गलती कि वीकली बेस और मंथली बेस पर आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे, आप MCQs के फॉर्म में रिवाइज करने, वो गलती मत करना, मैंने पहले भी बताया हुआ है। MCQs एक बार कर लिए अभी और उसके बाद एग्जाम के वक्त आपके MCQs काम आएंगे, बार-बार MCQs पढ़ते रहोगे तो ये डिटेल वाली करंट अफेयर्स आपके लिए फायदा नहीं देगी और आप कंफ्यूज रहोगे और आपको एग्जाम में उस लेवल के आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। तो डिटेल में फोकस ज्यादा रखो, MCQs जस्ट एक सपोर्टिंग चीज है, MCQs इट्स अ सपोर्टिंग एलिमेंट जो कि हमारा जस्ट एक रिवीजन लास्ट मोमेंट पे या फिर डेली बेसिस पे जो हम रिवीजन करते हैं उसमें काम आता है, इट्स नॉट दी होल सोल ऑफ द थिंग की जिस पर हम पूरा का पूरा रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो मिलता हूं फिर, टेक केयर, बाय बाय, 12 बजे सभी के सभी मौजूद होंगे और अपने दोस्तों यारों रिश्तेदारों को तो मत लेकर आइए क्योंकि रिश्तेदार थोड़े ना बैंक की तैयारी कर रहे हैं, बट दोस्तों यारों को ले आइएगा, जो लोग मेरी डेली करंट अफेयर्स नहीं सुनते बट उनको ये तो कहिएगा कि हाँ ये तो है। हाँ एक और चीज, कल आपके बजट का सेशन है, मैंने आपको बताया होगा कल हम रात को बजट, कल बजट आ रहा है, कल हम बजट का एनालिसिस करेंगे रात को 9 बजे, इसी यूट्यूब चैनल पे आपकी क्लास होगी, कल रात को 9 बजे इसी यूट्यूब चैनल पे कल भी आपकी क्लास होगी, 9 बजे एक क्लास है और 10 बजे क्लास है, दोनों सेशन में बजट के ऊपर कंप्लीट
एनालिसिस करेंगे, बजट आपका कल की क्लास में ही हम खत्म कर देंगे, उसके बाद आप फिर जितनी मर्जी बार रिवाइज करते रहना बजट को, ठीक है। तो वो भी आपकी क्लास मैं ही ले रहा हूं बजट का एनालिसिस कल रात को YouTube, इसी YouTube चैनल पे, लिंक वगैरह मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। चलो टेक केयर बाय बाय, एंड कितनी बार टेक केयर बाय बाय कर दिया, आज तो बहुत बार टेक केयर बाय बाय कर दिया ना, है ना। चलो अब तो सही में जाना ही पड़ेगा। चलो ठीक है।